हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले से बॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी में अंधेरा सा छा गया है। ना सिर्फ उनके जाने के गम में बल्कि इंडस्ट्री पर उठ रहे ग्रुपिज्म के सवालों की वजह भी। एक ओर पुलिस सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की तफ्तीश में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर फेक सोशल मीडिया फॉलोवर स्कैम का मामला भी सामने आ रहा है, जिसे लेकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। इस मसले पर बात करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जाँच करेगी। चलिए पहले आपको उनकी वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने इस पर बात की है। अनेक पीआर एजेंसी ऐसी है कि जो कई लोगों को, खास करके बॉलीवुड के लोगों को नकली फॉलोअर्स देती है, जिसको डॉट्स कहा जाता है। इट्स नकली फॉलोअर्स के जरिए ये अपनी पब्लिसिटी तो बढ़ाती ही है, लेकिन इसके वजह से किसी को ट्रोल करना या किसी का डाटा चुराना, ऐसे भी काम में ये सब बॉट्स आते हैं करके महाराष्ट्र पुलिस इस सब की जांच करेगी। तो जैसे कि आपने सुना कि इन फेक फॉलोवर्स को इंस्टाग्राम की भाषा में बाउट्स कहा जाता है। क्राइम ब्रांच को फेक फॉलोवर्स का रैकेट चलाने वाली कई कंपनियों का पता चला है, और जिसके जरिए स्टार्स या बाकी के हाई प्रोफाइल लोग अपने फॉलोवर्स की संख्या काफी ज्यादा दिखाते हैं। हालांकि ये फॉलोवर्स इनके खरीदे हुए होते हैं। रिपोर्ट्स के माने तो जब मुंबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा समेत कई खिलाड़ियों का नाम सामने आया। अब देखा जाए तो ट्विटर और इंस्टाग्राम मिलाकर दीपिका के 58 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जबकि प्रियंका चोपड़ा के 81 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। अब जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया कंपनियों को सेलिब्रिटीज से सही फॉलोवर्स की लिस्ट देने के लिए कहा है, जिससे ये पता चल सके कि कितने फॉलोवर्स सही हैं और कितने खरीदे हुए हैं। अब तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर दीपिका और प्रियंका खुद को सही साबित करने में चूक जाते हैं तो आने वाले समय में इन दोनों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है।